नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो साथियों, हम आए हैं द्वारकाधीश जी के दर्शन करने के लिए द्वारका, और हम रुके हैं क्लब महिंद्रा रिजोर्ट में। इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको दिखाऊंगा क्या क्या फैसिलिटीज ये प्रोवाइड करते हैं। तो दोस्तों वीडियो को देखिए और आनंद लीजिए। दोस्तों एंटर करते ही आपको एक सुंदर बड़ा सा रिसेप्शन हॉल मिलेगा, और अच्छे से आपको ये लोग ग्रीट करेंगे, और फिर जो दोस्तों आपका रूम होगा आपको वहाँ पर लेकर जाएंगे। किस तरह का डिनर या लंच रहेगा उसके बारे में दोस्तों आपको समझा देंगे। और अभी फ़िलहाल दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने कमरे की तरफ, बाकी हम कमरे में जाकर मिलते हैं। दोस्तों रूम के अंदर एंट्री करते ही दिल खुश हो जाता है, क्योंकि रूम बहुत ही सुंदर है और साथ ही स्पेशियस भी है। तो स्पेशियस रूम होता है, परिवार काफ़ी अच्छा महसूस करता है, दिल भी लगता है, और सभी तरह की दोस्तों फैसिलिटीज़ रूम में आपको मिलेंगी। दोस्तों अब इनके बाथरूम की बात करते हैं, तो बहुत ज़्यादा स्पेशियस नहीं है, ओके है, डिसेंट है, और यहाँ भी आपको जो भी रिक्वायर्ड फैसिलिटीज़ हैं सभी मिल जाएंगी। तो अच्छा बाथरूम था, साफ़ सुथरा था, क्लीनिनेस बहुत अच्छे से मेंटेन थी, तो हमें अच्छा लगा। अगर इनके पूल की बात करें तो काफ़ी बड़ा पूल था, और आसपास भी बहुत ही नीट एंड क्लीन इन्होंने सुंदर सराउंडिंग बना रखे थे। तो काफ़ी परिवार और बच्चे यहाँ हमें स्विमिंग करते हुए नज़र आए। तो आप भी अगर यहाँ आएंगे, इस जगह बैठेंगे या स्विमिंग करेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अब दोस्तों बात करते हैं इनके खाने की। तो अगर आप द्वारका में कहीं पे भी खाना खाते हो, तो दो तीन जो बहुत ही अच्छी जगहें हैं उनमें से मैं कहूँगा क्लब महिंद्रा भी एक है। वैरायटी के साथ साथ टेस्ट आपको यहाँ पे मिलेगा, तो खाना इनका टेस्टी है, खाने में कोई दिक्कत नहीं है। जो भी चीज़ें दोस्तों वो हमें पसंद आई तो आप भी ज़रूर इंजॉय करोगे।
जब भी आप इस रिज़ोर्ट में आएँ तो ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास अपना कन्वीनियंस है तो आपके लिए ये सबसे अच्छा रिज़ोर्ट है, लेकिन अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स पे आ रहे हो तो ये मंदिर से 6-7 किलोमीटर की दूरी पर है, तो थोड़ा आप उस बात का ध्यान रखिएगा क्योंकि वहाँ से आपको ट्रांसपोर्टेशन के लिए थोड़ा देखना पड़ सकता है। दोस्तों, इनके अगर बफे की बात करें, चाहे वो डिनर था चाहे वो ब्रेकफास्ट है, तो चाहे आप दोस्तों नॉर्थ इंडियन है चाहे साउथ इंडियन, तो चाहे आप इंडिया के किसी भी एरिया से आ रहे हो, वैरायटी इनके पास है, तो आपको खाना ज़रूर अच्छा लगेगा और वैरायटी तो है ही। तो ओवरऑल ये ट्रिप जो है आपका बहुत अच्छा रहेगा अगर आप क्लब महिंद्रा रिजॉर्ट में आते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं और इसी तरह के अच्छे रिजॉर्ट, होटल और घूमने फिरने की वीडियो देखने के शौकीन हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे आपसे इसी तरह अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय द्वारकाधीश।